पाकिस्तान तारीख इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने विवादों के लिए जाने जाते हैं। वह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले शख्सियतों में से एक है। नवंबर 2022 में आईएसएच न्यूज ने एक राजनीतिक रैली के दौरान इमरान खान के पैर में गोली लगने का वीडियो जारी किया था। इसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। दूसरी बात, इमरान खान को पाकिस्तान जाने वाले विदेश गणमान्य लोगों से महंगे उपहार मिलते थे। खान ने इनमें से कुछ अपने पास रख लिए और अब उनके खिलाफ मामला चल रहा है। 18 मार्च 2023 को जब खान तोशखाना मामले में भाग लेने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे, पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गई। वे इमरान खान पर दर्ज मामले का विरोध कर रहे थे। 25 से अधिक सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। पाकिस्तानी पुलिस ने 19 मार्च 2023 को इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया। पीटीआई के 12 नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आईएसएच न्यूज ने इस पर एक वीडियो बनाया है। इसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। 4 अप्रैल को भारी सुरक्षा के बीच खान सुनवाई के लिए पहुंचे। सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों ने उनके चारों ओर बुलेट प्रूफ ढाले लगा दी थी और उन्होंने खुद एक अस्थाई बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना हुआ था। आप इमरान खान को कोर्ट की ओर ले जा रहे गार्ड को देख सकते हैं, क्योंकि बुलेट प्रूफ हेलमेट में छेद से देखना मुश्किल था। गोली लगने के बाद वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हेलमेट पहना था। लोगों का कहना है कि वह अमेरिकी सिंगर मार्शमेलो के जैसे दिख रहे थे। उन्हें हेलमेट में देखना मजेदार था। सुनवाई के बाद खान को जमानत दे दी गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 37 मामले दर्ज किए गए हैं। ओह, ये बहुत है। इमरान खान खुद 19 मामलों में याचिका करता है जो सरकार के खिलाफ दायर किए गए हैं। दोनों आमने सामने हैं। इसके अलावा जहां पाकिस्तान उनसे नफरत करता है, वहीं इमरान खान भारत की सराहना करते हैं। खान रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे हैं। अपने देशवासियों के विरोध के बावजूद इमरान खान भारत के पक्ष में इस तरह की कमेंट करते रहते हैं। प्रतिक्रिया उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करती है और वो भारत की प्रशंसा करते रहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इमरान खान बेफिक्र रहते हैं। कितनी अजीब बात है, वह 23 साल में मॉस्को का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है। उन्होंने रूस के साथ बैठक की और पाकिस्तान के लिए छूट की उम्मीद की, हालांकि रूस सहमत नहीं था और उससे मदद नहीं की। इससे खान मायूस हो गए, हालांकि भारत तेल प्राप्त करने में सफल रहा।